नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। आज हम कक्षा 7 नागरिक शास्त्र में भारत और उसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, और हम पड़ोसी देश जो भारत के साथ जिनकी सीमाएं भारत साझा करता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी, मैं निधि अग्रवाल, पिछले 15 सालों से मैं कार्यरत हूँ सीबीएसई स्कूल्स में, और सामाजिक विज्ञान मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। और जब भी सामाजिक विज्ञान का विषय की चर्चा होती है मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो जब आज हम पढ़ाई तो हर द्वार के माध्यम से आप सभी तक अपने देश भारत, उसके पड़ोसी देश और उसके राज्यों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, और देखते हैं कि आज हम कितनी रोचक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा भारत देश कितना विशाल है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के हिसाब से। तो पढ़ाई तो हर द्वार में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि पढ़ाई तो हर द्वार घर पर बैठे ही एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि आपको कोरोना काल में सुरक्षित रहते हुए आप घर बैठे सभी विषयों को जितनी बार आप चाहें उतनी बार उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। बार बार आप वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी समझ को बहुत पुख्ता कर सकते हैं। ऐसा मानना है कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो बहुत ही जटिल है, कठिन है, लेकिन अगर आप इसको रोचक तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो यह विषय बहुत ही आसान हो जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक बहुत ही अभिन्न भाग है। तो आइए आज हम चलते हैं अपने देश भारत और उसके राज्यों में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भारत का मानचित्र है और इसमें अलग-अलग रंगों से भारत के राज्य, विभिन्न राज्य दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर बाहर में हम देख पा रहे हैं कि कुछ हमारे पड़ोसी भी देश हैं, और यहाँ जो दक्षिण तरफ है, दक्षिण में बहुत 3 महासागर हैं और कुछ समुद्री पार देशों की भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं बच्चों कि जो हमारा देश है भारत वो बहुत बहुत विशाल है। जब आप देखेंगे कि वो कौन से पायदान पर है क्षेत्रफल के अनुसार तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हम इतने बड़े देश में रहते हैं। और यह देश कई राज्यों में विभाजित है, कितने राज्यों में विभाजित है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और यह देश कौन कौन से देश दूसरे देशों से घिरा हुआ है उसके बारे में भी हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो नीचे दिए गए मानचित्र को हम बहुत ध्यान से देखें बच्चों, और कोशिश करें कि अगर आप अपने पास में जो 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब है उसको अपने पास में रख सकें तो आपको बहुत आसानी होगी, जो भी हम पढ़ रहे हैं आप उसको साक्षात देख पाएंगे। और अपने पास में एक मानचित्र जरूर रखें, जब भी सामाजिक विज्ञान की कक्षा होती है तो हमेशा आपके पास में भारत का मानचित्र पास में रहना चाहिए, जिससे आप बातों को समझ सकें और आपकी जो समझ है विषय को लेकर वो बहुत पुख्ता हो जाए। क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है कि हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली उस विषय को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर याद रख सकेंगे लंबे समय तक, और वो आपको कभी भी दिमाग से आपके नहीं जाएगा। तो जब हम नीचे के मानचित्र को देखेंगे, और आप एक रंगीन पेंसिल अपने साथ ले लीजिए और उस पेंसिल से मानचित्र में भारत की जो बाहरी सीमाओं पर देश हैं उस पर फिराते जाएं। ये देखिए, ये एक भारत का मानचित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो भारत का नक्शा बना हुआ है, भारत का मानचित्र है। दक्षिण की तरफ देखें तो हम अरब सागर हमको दिख रहा है, और हिंद महासागर दिख रहा है, और बंगाल की खाड़ी दिख रही है। और अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो हमको बहुत सारे पड़ोसी देश दिख रहे हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो आप एक रंगीन पेंसिल ले लें और जो बाहरी सीमा दिख रही है, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, डैश डैश करके जो लाइन दिख रही है, आप उस पर पेंसिल फिराते जाएं।
उससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि जो भारत की सीमा है उससे लगे दूसरे देश कौन कौन से हैं। तो इस सीमा रेखा के बाहर के इलाके जो हैं वो दूसरे देशों की सीमा से लगे हुए हैं। और ध्यान रहे कि भारत और दूसरे देश की सीमा के बीच ऐसी डॉट डॉट वाली रेखा बनी होती है। ये देखिए, मैं आपको एक बार मानचित्र फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो भारत की सीमा है यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई है। तो यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है वो कैसे बनी हुई है, डॉट डॉट करके हम दूसरे देश की सीमा से हमारी भारत की जो सीमा है उसको दर्शाया जाता है। और जब हम राज्यों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हम सीधी रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जब भी आप सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ें तो आप अपने पास में भारत का मानचित्र ज़रूर रखें। उससे आपको जो भी जगह बताई जाती है या जिस भी देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मानचित्र पर देख पाएंगे। अगर मैं बोलूं अरब सागर तो अरब सागर आप तुरंत यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ पर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी तो वो भी आपको मानचित्र में बहुत अच्छे से दिख रही है। हिंद महासागर कहाँ है ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं। चीन की स्थिति कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं। चीन कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में है या पूर्व में है या पश्चिम में है, तो ये भी आप मानचित्र में देखकर बहुत ही अच्छे से आप उसको बता सकते हैं। तो मानचित्र की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो आपको आपके पास हमेशा मानचित्र रखना चाहिए। तो भारत और जब हम दूसरे देश में जब हम सीमा रेखा बनाते हैं तो वो हमेशा टूटी हुई ऐसे लाइन से बनता है, ये डॉट डॉट के लाइन के से बनाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत जो है वो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सातवें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, और चीन देश जो है वो पहले पायदान पर है, वहाँ की जनसंख्या भारत से भी अधिक है। और भारत एक बहुत बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा उसमें भारत स्थित है, और इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब जब हमने भारत का मानचित्र देखा था तो भारत की स्थलीय सीमाओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि भारत की सीमाएं कौन कौन से देशों से लगी हुई हैं। तो हम पश्चिम में, अगर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम में भारत की स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ भारत साझा करता है। उत्तर में देखें तो उत्तर में अफगानिस्तान से भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से। उत्तर की तरफ चलते हैं तो कजाकिस्तान, चीन और नेपाल से भारत अपनी स्थलीय सीमाएं साझा करता है। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश से भारत की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अब अगर हम सीमा की बात करते हैं तो सीमा का अर्थ भी हम समझ लेते हैं। जब हमें अपने पड़ोसी के घर जाना होता है तो हम अपने घर के चौखट को, अपने घर के दरवाजे से निकलकर हम दूसरे के दरवाजे में जाते हैं। उसी तरह हर देश की एक सीमा होती है, और अगर हमें अपने देश से दूसरे देश जाना होता है तो हमें अपने देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में जाना होता है। तो इस तरीके से हर देश की अपनी अपनी सीमाएं हैं जो कि मानचित्र में डॉटेड लाइन से दर्शाई जाती हैं। पश्चिम में जो पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो मानव निर्मित हैं अथवा वो कृत्रिम हैं, जबकि जो शेष छह देश हैं उनके साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं, और अधिकांश वो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल के यहाँ पर बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है, और वो हमको दुश्मनों से बचाता है। तो इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो भारत से सीमाएं जुड़ी हुई हैं वो मानव ने बनाई हुई हैं अथवा वो कृत्रिम हैं। और जो अन्य देश बताए गए हैं जिनसे भारत अपनी सीमाएं
साझा करता है वो प्राकृतिक हैं, वो प्रकृति ने बनाई हैं, और उसमें ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं जिससे दुश्मनों को आने में हमारे देश में कठिनाई होती है, और ये पर्वत श्रृंखलाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। तो जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो चीन के साथ है। आपने देखा होगा जब आपको मैंने ये वाला मानचित्र दिखाया, तो यहाँ पे देखिए ये चीन देश है और भारत की ये जो सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वो भारत की चीन के साथ है, और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो भारत की है वो है भूटान की, भूटान देश के साथ में। अब समुद्री पार भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें आप दक्षिण की ओर हम पाते हैं, तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो समुद्र पार है और भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश माना गया है, और जो पाक जल डमरू मध्य है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, पृथक करता है। तो यहाँ पर हम मानचित्र में फिर से हम जाकर ध्यान से देखते हैं कि ये जो श्रीलंका और भारत के बीच में छोटी सी जगह दिख रही है, यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, और वहाँ जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है जिससे हम आसानी से अपने देश की सीमा को लांघकर श्रीलंका में जा सकते हैं। इसी तरह कुछ और भी समुद्री पड़ोसी देश हैं जैसे इंडोनेशिया, वो भी हमारा बहुत ही करीब, बहुत ही निकटतम एक समुद्री पड़ोसी देश है। और आता है लक्षद्वीप के बारे में, आपने सुना होगा बच्चों, तो लक्षद्वीप भी दक्षिण में, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव, ये भी हमारा एक समुद्री पड़ोसी देश है। अब हम भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं, तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम तो छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, वैसे ही भारत में बहुत सारे अन्य राज्य भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, पंजाब, असम आदि। जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आप, बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों से होंगे या आपके छत्तीसगढ़ राज्य से ही होंगे, तो आप बात बात करते करते आपने सुना होगा कि आपके कोई दोस्त बोल रहे होंगे कि मुझे अपनी नानी के घर उत्तर प्रदेश जाना है, या मेरे पापा बिहार में काम करते हैं। तो जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं वैसे ही बहुत सारे दूसरे राज्य भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और भी बहुत सारे हैं, और सभी राज्यों की राजधानी होती है जिसमें मुख्यमंत्री का राज्य होता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हमारे देश में हैं। और भारत की राजधानी दिल्ली है, जैसे छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसकी राजधानी रायपुर है, उसी तरह भारत देश की, हर देश की एक राजधानी होती है, तो भारत देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और भी बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पौंडिचेरी, लक्षद्वीप, आंडमान और निकोबार आदि। क्या आपने इन सब के नाम सुने हैं, या आप जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं, या ये राज्यों में क्यों नहीं आते हैं? तो चलिए अब हम राज्यों और उनकी राजधानी के क्या क्या नाम हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश को 28 राज्यों में विभाजित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक राज्य है और उसकी राजधानी का नाम है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। असम की दिसपुर। बिहार राज्य की राजधानी का नाम है पटना। और ये जो प्रदेश हैं और उनकी राजधानी है उन पे बहुत सारे गाने और गीत भी लिखे गए हैं। आप अगर पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो आपने पटना का नाम सुना होगा और गोवा का भी नाम सुना है। गोवा में बहुत सारी पिक्चर्स की शूटिंग भी हुई है, तो
तो ये राज्य गोवा समुद्री प्रदेश है, और यहाँ पर जब आप घूमने जाएं तो आप समुद्र में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की तो बोली में इतनी मिठास है कि छत्तीसगढ़ की बोली बहुत ही बढ़िया है, और अरपा पैरी के धार राजगीत छत्तीसगढ़ का आप सभी ने सुना होगा। और गुजरात गुजरात जब गरबा होता है तो सभी के पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला। शिमला जो है, शिमला जगह में जाना सभी लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि शिमला जब जाते हैं तो वहाँ पर बर्फ गिरती है और बर्फ में खेलने का मजा सब लोग उठाना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश अगर आपका जाना हो तो शिमला जरूर जाएं और बर्फ का लुत्फ उठाएं। झारखंड की राजधानी है रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु। आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलुरु जाते हैं, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उच्च क्वालिटी की, और बहुत से बच्चे अपना करियर बनाने के लिए बैंगलोर जाते हैं। और केरल के नारियल पानी तो आपने पिया ही होगा, तो बहुत सारा जो नारियल पानी है और नारियल के पेड़ हैं वो दक्षिण की तरफ पाए जाते हैं। और केरल को केरल एक बहुत ही रमणीय स्थल है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और वहाँ का नारियल पानी भी बहुत में मिठास होती है और वो बहुत टेस्टी होता है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप शाहरुख खान की और आमिर खान की मूवीज देखते हैं तो इनकी शूटिंग और पूरा का पूरा जो जितने भी हमारे ये फिल्म स्टार्स हैं ये मुंबई में रहते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, और नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब। आपने देखा होगा कि जब खेतों में सरसों लहलहाती है और जब भांगड़ा के ढोल बजते हैं तो सभी के पैर थिरकने लगते हैं, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और राजस्थान, सभी को राजस्थान का नाम सुनते ही हमें ऊँट दिखने लगते हैं और ऊँट की सवारी करने में बहुत मज़ा आता है। तो राजस्थान की जो राजधानी है उसका नाम है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। आपने लखनऊ के बारे में सुना है, लखनऊ में बहुत सारे नवाबी नवाब होते हैं और वहाँ का खाना बहुत ही लजीजदार और बहुत ही टेस्टी होता है। और लखनऊ की जो चिकनकारी है वो पूरे विश्व में फेमस है, और वहाँ पे जो आप कभी भी जाएँ तो वहाँ से चिकन का कपड़ा देकर ज़रूर आएँ, और उसके बहुत सुंदर ड्रेसेस बनते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो ये जो हमारा भारत देश है उसको 28 राज्यों में विभाजित किया गया है, और हर राज्य की एक राजधानी होती है। तो यहाँ पर पूरे 28 राज्यों के नाम और उनकी राजधानी मैंने आपको बताए, आशा है कि आप इनको याद रखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम 28 राज्यों के नाम को याद रख सकते हैं। आशा है आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश एक प्रकार का प्रशासनिक प्रभाग है जिसे सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे केंद्र सरकार का ही शासन होता है, और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है वो स्वयं भारत के राष्ट्रपति करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानी की सूची है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्टवेयर, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इनको दोनों को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया है, और इसकी राजधानी है सिलवासा।
दिल्ली, जो हमारे भारत देश है, भारत देश की राजधानी दिल्ली है, और इसकी ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, पुडुचेरी की पौंडिचेरी, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन में हम श्रीनगर राजधानी में काम करते हैं, और जब शीतकालीन होता है तो शीतकालीन सत्र में हम जम्मू उसकी राजधानी हो जाती है। और अभी जो कन्वर्जन हुआ है उसमें लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश में की सूची में शामिल किया गया, और इसकी राजधानी है लेह। अब कुछ रोचक तथ्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अछूता नहीं है, तो जो भी संशोधन होते हैं उसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं आज कुछ रोचक तथ्य आपके साथ बच्चों साझा करना चाहती हूँ कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दमन दीव और दादरा और नगर हवेली को मर्ज करके मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया था, उसको खत्म करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। जैसा कि मैंने आपको ये सूची में बताया कि ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको पुरानी सूची में जो नहीं थे और इनको अभी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको डेट के सहित बता रहे हैं कि 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव और दादर नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक बना दिया गया है, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका विभाजन किया गया है। और जम्मू कश्मीर, और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को, पहले जम्मू और कश्मीर जो था वो राज्य की सूची में आता था, और 31 अक्टूबर को ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन दिया गया कि किसी भी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला जा रहा है। और अब अभी के हिसाब से, 2020 के आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल राज्यों की संख्या 28 होगी, और कुल जो केंद्र है वो उनकी संख्या जो है वो 8 होगी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही सरल विधि बताऊंगी जिससे कि आप राज्यों के नाम बहुत ही आसानी से याद रखेंगे और आप कभी भी उनको भूल नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हमें कबीर के दोहे हम पढ़ते हैं, तुलसीदास जी के दोहे हम पढ़ते हैं, और उन दोहों में बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जिसे हमें बहुत बड़ी बड़ी बातों को याद रखने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और हम कम शब्दों में अपनी बात को आसानी से बता सकते हैं। तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के इस दोहे में भारत के पूरे जो पहले 29 राज्य थे उनका, उनके नाम का पहला अक्षर देखिए कैसे इसमें उन्होंने समाहित किया है। और दोहे को जब हम याद कर लेते हैं तो दोहे के एक-एक शब्द से हम राज्यों के नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोहे को मेरे साथ आप दोहरा लें, या दोहे को पहले सुन लें उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो राम नाम जपते अत्रि, दोहे दो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, राम नाम जपते अत्रि मत घुसियाओ, पंक में उगो हिमी अहि के छबि छाओ। तो तुलसीदास जी ने कितने आसानी से इस दोहे से हमें राज्यों को याद रखने के लिए, हम अगर राम का पहला अक्षर दें रा और मा तो उससे हम देखते हैं कि कौन से राज्यों के नाम को हम याद रख सकते हैं। तो एक बार हम दोहे को फिर से दोहरा लेते हैं कि राम नाम जपते अत्रि, राम नाम जपते अत्रि मत घुसियाओ, पंक में उगो हिमि अहि के छबि झाऊ। तो देखते हैं कि राम, राम शब्द में रा और मा का उल्लेख है, और यहाँ पे हम रा से राजस्थान राज्य का नाम याद रख सकते हैं और मा से महाराष्ट्र का। तो राम शब्द से हम राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य जो है वो हमें बहुत ही आसानी से जब हम दोहे को दोहराएंगे तो उससे हम राज्यों के नामों को याद रख सकते हैं। और राम के बाद दोहे में था नाम, राम नाम
तो राम से हमने राजस्थान और महाराष्ट्र का नाम याद रखा, और नाम में ना और मा है, तो ना से नागालैंड राज्य और मा से मणिपुर राज्य। तो एक अगर हम छोटा सा गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा अगर हम जल्दी से उसको याद कर सकते हैं, और उससे हम जो हमारे दे हमारा देश है भारत, भारत एक विशाल देश है जैसा कि आपको बताया गया, और उसको 28 राज्यों में विभाजित किया गया है, तो हम उसके हर राज्य को बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो राम नाम जपते अत्रि मत घुसियाओ, पंक में उगो हमी अहि के छवि छाओ। तो राम और नाम से हमने देखा कि कौन कौन से राज्यों को हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इसी तरह जपते, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और प से पश्चिम बंगाल और त से तेलंगाना, मत म से मध्य प्रदेश और त से तमिलनाडु। गुसियाओ शब्द में देखिए कितने सारे राज्य सम्मिलित किए गए, गु से गुजरात, सी से सिक्किम, आ से आंध्र प्रदेश और उ से उत्तर प्रदेश। तो ये एक बहुत ही छोटी सी विधि है कि अगर आप एक दोहे को याद रख लें तो उससे आप कभी भी भारत के राज्यों के नामों को नहीं भूलेंगे, वो आपको जल्दी से याद आ जाएंगे। पंक शब्द में दो राज्य हैं, प से पंजाब और क से कर्नाटका, अत्रि में अ से असम और त्रि से त्रिपुरा, के क से केरल, छबि छ से छत्तीसगढ़ और बी से बिहार, झाऊ झा से झारखंड और ऊ से उड़ीसा। तो अगर अब बाकी का ये जो एक पंक्ति और बची है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप ये जो शब्द बचे हुए हैं उनसे आप ऐसे कौन कौन से प्रदेश बच गए हैं उसका आपको घर में आपको वो राज्यों को ढूंढ के उनके नाम उस शब्द के सामने में लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर झाऊ तक का तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी की अब आप और उसको ढूंढिए, और अपनी नोटबुक में घर में आप अपने मम्मी से पापा से अपने छोटे भाई बहनों से इस बारे में चर्चा करें कि देखो मैंने एक छोटे से दोहे को याद रख के मैंने पूरे 28 राज्यों के नाम को याद रखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो दोहा है उससे आप आसानी से उसके पहले अक्षरों से जो राज्यों के नाम हैं उनको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एक करके दिखाया है, ये आप एक गेम भी खेल सकते हो, छोटा सा एक्टिविटी भी कर सकते हो कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलो, तो आप इसमें सबको दोहा याद करने के लिए बोले और एक एक शब्द सबको दे दो, और फिर वो उससे जो राज्यों के नाम हैं वो बता सकते हैं। और राजधानी जो है, जितने भी हमारे राज्य और राजधानी हैं उनके नाम भी यहाँ पर आप साइड में, सर ये हम शेयर करेंगे क्या पीपीटी? शेयर शेयर होगा पीपीटी बच्चों के साथ? बाद हाँ, तो ये यूट्यूब में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको जब भी अगर ऐसा लगे कि किसी राज्य की राजधानी आप भूल गए हैं या आप उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब में जाकर आप आराम से राज्यों के नाम और उनकी राजधानी को फिर से याद रख सकते हैं। और आज का आपका जो होमवर्क है, आज का अभ्यास है, उसमें भी हम पांच पांच प्रदेशों के नामों को पहले याद कर लें और उसके बाद में उनकी राजधानी के नाम याद कर लें। तो आज अगर हम पांच की करेंगे, फिर कल पांच की करेंगे तो 10 हो जाएंगे, और इसी तरह 2 दिन और 3 दिन और करेंगे तो आप पूरे राज्यों की राजधानी को बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश हैं वो क्या होते हैं, अगर आपको कभी भी संशय हो रहा है कि अच्छा केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तो आप इस स्लाइड के द्वारा समझ सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीधे केंद्र सरकार का उसमें शासन होता है और भारत के राष्ट्रपति उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसमें केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राजधानी बहुत ही आसान तरीके से दर्शाई गई हैं, और आप उनको बिना बिल्कुल संशय से याद कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से।
और कब ये 29 से 28 राज्य हुए और कितने कौन सी धारा में बदलाव किया गया कि कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसको खत्म करके जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की भी घोषणा की गई थी। तो ये कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दी मैंने। और इसी तरह आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं एक आपसे अपील करना चाहूंगी बच्चों कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, जैसे आप न्यूज़ देखें और न्यूज़पेपर पढ़ें, रोज आप एक हैबिट डाल लें कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर उठाएं और उसमें जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं ऊपर टॉप में, आप उसमें पढ़ें तो आपको बहुत सारे विषयों की जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो नॉलेज है सब्जेक्ट का वो बढ़ता जाएगा। और ये दोहे को याद करके आप सारे राज्यों के नामों को याद कर सकते हैं। अब आती है अभ्यास की बारी। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि आज हमने अपने देश भारत के बारे में जाना और उसके कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी जाना, तो प्रश्न एक है कि भारत की सीमा से लगे हुए जो देश हैं आपको उनके नाम मानचित्र में देखकर लिखने हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी जिनकी सीमा भारत की सीमा से लगी हुई है, तो मानचित्र को देखकर आप उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखें। दूसरा प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों के आपको नाम लिखने हैं। जैसा कि चर्चा में आपको बताया गया कि पहले कितने थे और अभी कितने हो गए हैं, और कौन कौन से ऐसे नए केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका नाम सूची में दिया हुआ है, उनकी राजधानी क्या है, वो भी आपको इसमें चर्चा के दौरान जैसा बताया गया तो वो आपको देखकर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और उसको एक एक्टिविटी के रूप में, एक गेम के रूप में आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, आप क्लास में टीचर के साथ भी इसको एक गेम के रूप में, अगर गतिविधि के रूप में करते हैं तो उससे हम बहुत ही जल्दी बच्चों में चीज़ों को कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करके उनको हम सिखा सकते हैं। और तीसरा एकदम आसान सा प्रश्न है कि जो तुलसीदास जी का दोहा है, बहुत से घरों में ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनको हम गायत्री मंत्र सिखाते हैं, हम उनको हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हों तो हर मजहब अपने अपनी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम तुलसीदास जी के दोहे को याद कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उसमें उस दोहे को याद करिए और उसके बाद भारत के राज्यों के जो नाम हैं वो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो उसको भी आप नाम को याद करके आप नोटबुक में एक सूची बना के अपने घर में टांग लीजिए, ताकि अगर कभी कोई आपसे सवाल पूछे, मम्मी पापा दादा या कोई भी, कि भाई इस राज्य में इस राज्य की राजधानी क्या है, तो आप उस चार्ट में देखकर जल्दी से बता सकते हैं, या अगर आपने दोहे को याद कर लिया है तो भी आप उससे बता सकते हैं। तो आज का जो ये हमने चर्चा की है देश और राज्य की, उसमें हमने पाया कि जो भारत है वो क्षेत्रफल के अनुसार 7वें पायदान पे है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। तो आपको गर्व होना, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम एक बहुत ही विशाल देश में रहते हैं और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अविस्मरणीय है। और भारत का नाम विश्व में, ना सिर्फ हमारा देश का जो सर, हम 5 मिनट्स में ओवर कर इसको फाइनल कर लें, ठीक है? और बच्चों से एक हम चैटिंग, उनका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जैसा कि ये ऑनलाइन क्लास है, अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है या आपको किसी भी साइड में संशय है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो सर ये कैसे दिखेगा कि बच्चे हमारे साथ चैटिंग में हैं? अच्छा, तो वर्षा टंडन आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रणाम बेटा, खुश रहिए। और आशा है कि मुझे आज जो यहाँ पर हमने चर्चा की है उसमें
आपको समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वर्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम। बेटा चैट में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप टाइप करके भेजिए। तो सर मेरी ख्याल से प्रश्न ऐसे कोई बच्चों के आ नहीं रहे हैं, और नो डाउट। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको समझ में आया। वर्षा, जो भी अभी यहाँ बताया गया क्लास में, मेरी ख्याल से आपको समझ में आया। नो डाउट का मतलब होता है कि बच्चे को समझ में आ गया है। तो थैंक यू सो मच वर्षा, कि जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो आपको समझ में आया। और इस वीडियो को आप जब YouTube पे बार बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 3 4 बार देखेंगे तो आपको सारे राज्य, उनकी राजधानी एकदम याद हो जाएंगे। हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, वो भी आप उनके नाम भी आप बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। तो आज की कक्षा सर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।